मंगलवार को दिल्ली में एक मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद पूरे देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। अब तक दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर में एक एक मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इससे पहले केरल में कोरोना के 3 मरीज मिले थे जो इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। इटली से दिल्ली लौटे एक व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण पाया गया। दुबई से हैदराबाद लौटा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित था, साथ ही जयपुर में भी एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। आगरा में एक ही परिवार के कोरोना के 6 लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी जांच अभी जारी है। इनको सफदरजंग अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। साथ ही इनके परिवार के 7 लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है और न ही किसी से मिलने दिया जा रहा है। जयपुर में एक मरीज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद इसकी संपर्क में आए 24 लोगों को ITBP के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इसमें इटली के 21 टूरिस्ट, बस ड्राइवर, कंडक्टर और गाइड शामिल हैं। इन सब के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से नोएडा में श्रीराम स्कूल को बंद किया गया है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि सैनिटाइजेशन के लिए स्कूल को 3 दिन के लिए बंद किया गया है। स्कूल बंद करने का फैसला स्कूल प्रशासन का है। श्रीराम स्कूल के छात्र अब ग्रेटर नोएडा के सेंट जोसेफ स्कूल में परीक्षा देंगे। 3 दिन बाद स्कूल फिर से खुल जाएगा। पूरे देश में 3 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की और कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरी और छोटी सावधानियों से इससे बचा जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस के चलते हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने हजारों कंपनियों को नोटिस भेजा है। देश के 21 हवाई अड्डों पर 12 बड़े और 65 छोटे बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग की जा रही है। सरकार ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर 4 देशों के वीजा पर रोक लगाई है, जिनमें इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान शामिल हैं। सरकार पहले ही चीन के वीजा पर रोक लगा चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए 19 मार्च से विशाखापट्टनम में होने वाला 41 देशों की नौसेना का युद्धाभ्यास टाल दिया गया है। युद्धाभ्यास का नाम मिलान था। आपको बता दें कि चीन इस युद्धाभ्यास से पहले से ही बाहर था, लेकिन इस युद्धाभ्यास में वो देश भी शामिल हैं जिनमें कोरोना के मरीज हैं। ऐसे में सरकारें किसी भी तरह का और रिस्क नहीं लेना चाहती। कोरोना के फैलते असर पर WHO की अहम बैठक हुई। कोरोना से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को 215 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। कोरोना वायरस के चलते चीन पहले ही अब तक के सबसे बड़े नुकसान की आशंका जता चुका है। खेलों पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। मार्च तक काबू नहीं हुआ कोरोना तो जापान में होने वाला 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स टल सकता है। 24 जुलाई से शुरू होने वाले हैं ओलंपिक गेम्स, जिसमें कई देशों के हजारों खिलाड़ी पहुंचेंगे। इससे कोरोना के संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना वायरस के लक्षण देखकर घबराएं नहीं। खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, मांसपेशियों में दर्द, बुखार या जुकाम होने पर तुरंत जांच करवाएं। कोरोना से बचने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोएं। सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। लोगों से दूरी बनाएं और हाथ मिलाने से बचें।